शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी मुस्लिम भाई ईद में सामूहिक नमाज पढ़ते हैं और बड़े बड़े जुलूस निकाल कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के सरकार के आदेश आने से अब ईद घरों में ही पड़े, ऐसा जिला प्रशासन से जानकारी है। यूं तो भारतवर्ष में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक है ईद मिलन। जी हाँ, ईद मिलन में हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है। ईद की बधाई देने के लिए और ईद का त्योहार जुलूस निकाल कर भी मनाया जाता है। ईद की नमाज एक साथ ही पढ़ी जाती थी, लेकिन जब से कोरोना वायरस ने शहर में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक केंद्र राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन भी दी गई है जिसमें फिजिकली डिस्टेंसिंग का पालन सभी शहरवासियों ने करने की हिदायत दी गई है। इतने नहीं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार आदि धार्मिक स्थलों पर कोई भी भीड़ जमा न करे, कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए फिजिकली डिस्टेंसिंग का पालन करे, ऐसे आदेश जिलाधीश के अनुसार है। जिसके चलते ईद मिलन में भी मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में न जाते हुए घरों में ही नमाज पढ़े और फिजिकली डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात इस समय में महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी इन्होंने इन विषय समक्ष दी है। सबसे पहले तो रमजान और रोजा के लिए सभी बंधुओं को, सभी मुस्लिम भाइयों को प्रशासन की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी तक इस रमजान महीने में मुस्लिम धर्म के सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग दिया हुआ है, इसलिए उनका शुक्रगुजार भी करना चाहता हूँ। आए दिन हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र शासन ने 18 अप्रैल 2020 के एक लेटर के तहत जो अधिकारियों को भेजा गया था कि आप सबसे अपील कीजिए कि कोई भी किसी भी सार्वजनिक जगह पे नमाज ना पढ़े, तो अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिली के साथ ही ये नमाज पढ़ा जाए ताकि कोरोना का संक्रमण हम पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो सके। उसी को आगे चलते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से फिर एक बार आपके लिए अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पे ना जाते हुए अगर हम अपने घरों में ही, अपने घर के अंदर ही अगर नमाज पढ़ते हैं तो हम कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, इसके बाद भी यही सहयोग आपसे अपेक्षा रखता हूँ और आपको फिर एक बार ईद की मुबारकबाद दे के अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। अक्सर शहर में यह देखा गया है कि ईद के दिन हजारों लाखों लोग नमाज एक साथ अदा करते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने जब से इस शहर में, इस देश में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक के सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके चलते अब जिन्हें नमाज अदा करना हो वे अपने घर में ही करें और ईद का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसा आदेश एक नए गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है। NMC से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।